हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है नवन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स बाय कमला यूट्यूब चैनल इस लेक्चर में हम 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले और इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे ऐसे करंट के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए फिर चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलिए तो मैं आपको बता दूँ आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ये लेक्चर आप देखिए ज़रूर पूरा देखिएगा एंड तक क्योंकि आज हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस लेक्चर के अंदर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं अगर आप ये वीडियो लेना चाहते हैं तो ये वीडियो का जो पैकेज है वो आपको केवल फिफ्टी रुपीज़ में ये मिल जाएगी और इसमें वीकली करंट अफेयर्स आपके वन डे एग्जाम्स के लिए आपके प्रिपेयर करवाए जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेड पैकेज कैसे ज्वाइन करेंगे डिटेल मैंने दे दी है आप टेलीग्राम चैनल में सरके टेलीग्राम चैनल में जाके इसके बारे में इंफॉमेसन ले सकते हैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी वहाँ से भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस पी के पेड पैकेज को लेने के बारे में बिना देर करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो बनता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इस्टेट रिसेंटली लॉन्च फॉम लोन वीवर स्कीम निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कृषि ऋण माफ़ी योजना शुरू की है आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र झारखंड बिहार और बंगाल। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे जो स्टेट हैं तो उनमें लोन माफ़ी की योजनाएँ चलती रहती हैं और अभी जो रिसेंटली जो इसके बारे में नए ये जो आपका कृषि ऋण माफ़ी योजना है ये स्टार्ट की गई है झारखंड में और झारखंड के आपको पता होने चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन है और बहुत सारी चीज़ें झारखंड की बता होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कई बार क्या होता है कि आपके सी से रिलेटेड रिलेटेड या और भी कई चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हम आपकी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे देखिए अगर आपको हमारा पेड पैकेज ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम भी कर सकते हैं याद रखिएगा इस नंबर पे सिर्फ मैसेज ही करिएगा कॉल रिसीव नहीं होंगे आपके और देखिए इस क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सारे मैं लिख लाया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं ये भी आ, कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप भी कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते रहिए यहाँ पर आज हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है क्या होगा वो आपको दस क्वेश्चन के बाद एक स्लाइड दी जाएगी जिसमें से पांच क्वेश्चन होंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा उनमें पांच क्वेश्चन होंगे उन पांच क्वेश्चनों को आपको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर देना है इन क्वेश्चंस का भी आप आंसर दे सकते हैं उसके लिए क्या करना है आपको वीडियो को पॉज़ करना है आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ऑप्शंस को देखना है उसके बाद आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप या तो पेपर में नोट डाउन करते जाइए या आप कमेंट स्क्रीन में नोट डाउन कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में आपको एक अपना स्कोर कार्ड खुद से देखना है कि आप किस स्टेज पे हो और आपके करंट के क्वेश्चंस आपके किस तरह से रिवाइज़ रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि झारखंड की सरकार ने जो किसानों के की ऋण माफ़ी की है उसको मंजूरी दे दी है इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या है झारखंड की तो रांची है चीफ मिनिस्टर क्या होने तो हेमंत सोरेन है पॉपुलेशन क्या है और यहाँ पे ये चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि, कि किसी भी राज्य की जलीव जीव जीव हो गया और भी वहाँ के जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वहाँ की विशेष चीज़ें होती हैं उनके बारे में पूछ लेता है तो यहाँ पे ऑफिशियल ट्री के बारे में अगर पूछता है तो ऑफिशियल ट्री आपको पता होनी चाहिए झारखंड का ऑफिशियल ट्री कौन सा है साल का वृक्ष आपने पढ़ा होगा कई बार या देखा भी होगा तो साल का जो ट्री होता है वो ऑफिशियल ट्री होता है झारखंड का ठीक है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको स्पेशल फैक्ट के रूप में बता दी और चलिए नए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है कि वेन डिड द दलाई लामा गेट द Peace पीस प्राइज अभी हाल ही में दलाई लामा बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। ये एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी आप इनको मान सकते हैं जो कि तिब्बतन तिब्बत जो आपका एक कम्यूनिटी मान सकते हैं आप उसको ठीक है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अभी तो ये भारत में है और ये बहुत ज़्यादा उधर माने जाते हैं और इन ये इनसे चीन जो है वो बहुत ज़्यादा इनका चीन का विवाद चलता रहता है तो अभी भाई ये क्वेश्चन बना था रिसेंटली में इससे के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ कब दिया गया था नाइनटीन एटी सेवन एटी एट एटी नाइन और नाइन्टी यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक फैक्ट भी लेके आया हूँ स्पेशल फैक्ट भी लेके आया हूँ जो मैं आगे स्लाइड में आपको कवर अप करूँगा फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को रीड करिए और ये भी देखिए आपसे क्या होगा कोई भी आपसे अगर स्पेशल चीज़ पूछेगा जैसे आपसे यहाँ नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहा है तो ये चीज़ याद रखा करिए कि पहला पूछेगा और आखिरी पूछेगा मतलब पहले कब शुरू किया गया और रिसेंट में आपका किसको दिया गया तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ठीक है और हमने प्रैक्टिस के लिए आपके कुछ स्पेशल जो चीज़ें हैं वो भी ऐड की हुई हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी भी लिखा है जैसे आप पी परचेस करेंगे तो वहाँ पे आपको रिवाइज़ करने में भी, भी आसानी होगी लास्ट वीडियो में क्या था लास्ट स्लाइड में हमने जो लास्ट वीडियो कवर अप की थी वहाँ पे हमने आंसर नहीं लिखा था स्लाइड में यहाँ पे भी हमने यहाँ पे आंसर कर दिया है जैसे इसका राइट आंसर झारखंड है तो यहाँ पे आंसर नंबर बी राइट आंसर इस तरह से हमने यहाँ पर फीचर भी कर दिया है तो इसका राइट आंसर सेकेंड का क्या होगा नाइन्टीन एटी नाइन यहाँ पर हमने फीचर कर दिया है और भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको दिखा दें तो यहाँ से देखते हैं ठीक अगर आपसे पूछता है कि शुरुआत की कब की गई थी तो इसका जो पहला अवार्ड था ये दिया गया था इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर प्रिवेंशन इसको दिया गया था कब दिया गया था 1985 में ठीक तो अगर पहला पीस प्राइज पूछा जाता है तो आप 1985 में बताएंगे ठीक यहीं पे आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेकेंड दलाई लामा को 1989 में पीस प्राइज़ मिला यहीं पे अगर आपसे पूछता है देखिए कुछ जो आपकी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती उनसे रिलेटेड पूछ सकता है तो यहाँ पे देखिए नेल्सन मंडेला 1993 ये एक बहुत आपकी पर, आपकी इन्फॉर्मेशन है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नेल्सन मंडेला कब दिया गया नाइन्टीन नाइन्टी थ्री दलाईलामा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया ठीक अगर आपसे पहला पूछता है पहला पीस तो यहाँ पर इंटरनेशनल फिजिशियन इसको दिया गया था नाइनटीन में ठीक चलिए अच्छा यहाँ पे आपसे पूछेगा कि और अगर आपसे क्या पूछ सकता है कि कभी क्या आ, पीस कीपिंग फोर्सेज को दिया गया था पीस प्राइज़ तो हाँ दिया गया यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप याद रख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज को 1988 में क्या दिया गया था नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था ठीक चलिए अब ये मैं कुछ रीसेंट के आपको दिखा देता हूँ ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है ठीक है चलिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है हाँ यहाँ पे करंट की चीज़ें हैं करंट के कुछ आपके नोबेल हैं तो यहाँ पे करंट को यानी इस बार ट्वेंटी में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्वेंटी नाइन्टीन में पीस प्राइज किसको मिला तो अबिल अभी अहमद ये आपको बताना है कि ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो यहाँ ये प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर किस देश के हैं ठीक तो इनको ट्वेंटी नाइनटीन में मिला था ट्वेंटी एनटीन के भी यहाँ पे मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है कि मलाला यूसुफ जई ये पाकिस्तान की हैं और इनको कब मिला था तो ट्वेंटीन फोर्टीन में मिला था यहाँ पे एक और हैं इनको भी मिला था कैलाश सत्यार्थी ये इंडियन है ठीक इनको भी पीस प्राइज मिला था नोबेल का ये कुछ और और भी एक आपसे इम्पोर्टेंट है ये पूछ सकता है बराक ओबामा को मिला था टू थाउजेंड बहुत सारे क्वेश्चन बन गए पहला अगर आपसे पूछता है कि करंट में किसको मिला तो करंट में किसको मिला था करंट में मिला था आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उसके बाद नाइनटीन पूछता है तो आप बता सकते हैं कैलाश सत्यार्थी का पूछता है तो ट्वेंटी फोर्टीन बता सकते हैं यहाँ पे मलाल यूसुबई को ट्वेंटी फोर्टीन में मिला था ठीक और बराक ओबामा को ट्वेंटी नाइन सॉरी टू थाउजेंड नाइन में मिला था इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी एक क्वेश्चन से बन गई है तो आपको यहाँ पे बेफिक्र होकर पढ़ना है आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करवाए जाएंगे और भी क्वेश्चन से अलग हटके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ठीक है उसके लिए निश्चिंत रहिए बस आप तैयारी करते रहिए हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे और अगर आप ये पी डी एफ जैसी आप पी डी एफ ये देख रहे हैं एज एट इज़ पी डी एफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी पेड पैकेज में जो कि केवल फिफ्टी रुपीज़ का है उसके लिए आप इस नंबर पर ये जो आपको नीचे नंबर दिया है इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और आपको जो फेसबुक अकाउंट पर आप फेसबुक के आप सर्च कर सकते हैं कमलाक शाह वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको इसके रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड किस संगठन ने हाल ही में दस वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों की एक सूची जारी की विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज अ लिस्ट ऑफ टेन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ तो अगर आप फ्लैग पहचानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैग के बारे में भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप फ्लैग पहचानते तो आपको ये हंड्रेड परसेंट आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा ठीक अगर नहीं पहचानते फ्लैग तो हम बता देते हैं डब्ल्यू एच ओ इज़ द राइट आंसर यहाँ पे क्या है डब्ल्यू एच ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों यानी आपकी ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ की टेन की टेन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ की लिस्ट जारी की है ठीक चलिए और ये लिस्ट किससे रिलेटेड है तो अभी आप देख सकते हैं कोविड वाली महामारी आई थी उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी तो उसी के लिए ये लिस्ट उसी को देखते हुए लिस्ट ये जो है शुरू मतलब लॉन्च की गई थी मतलब निकाली गई थी ठीक चलिए अब आपसे आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है किससे रिलेटेड आपके डब्ल्यू एच ओ से तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हेड है, क्वार्टर जिनावा स्विट्जरलैंड फाउंडेड यानी फाउंडेशन कब रखी गई थी डब्ल्यू एच ओ की तो सेवन्थ अप्रैल नाइनटीन फोटी एट ठीक चलिए अगर आपसे हेड पूछता है डब्ल्यू एच ओ के तो टेड्रॉफ्स एडानॉम ये हैं इसके हेड मेन ठीक सौम्यनाथ सौ, सौम्य स्वामीनाथन और जेन एलिशन ये आप बताएंगे सौम्य स्वामीनाथन की पोस्ट क्या है रैंक क्या है इसमें ठीक किसमें में डब्ल्यू एच ओ के अंदर हेड पूछता है तो टेड्रस अड्डा नाम इसके हेड होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन एंड अ पोर्टल कॉल्ड ई संपदा किस मंत्रालय ने हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन और ई e संपदा नामक एक पोर्टल लॉन्च किया यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इनको पहचानते हैं तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा किसको इस फोटो में दिख रहे हैं, हैं जो इनको अगर आप पहचानते हैं तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा नहीं पहचानते तो हम आपको बताएंगे ठीक चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी से इसका आंसर भी आपको पिक कर, करना है और अपने जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ पे नोट करते चलना है आपको पी डी एफ एज इट इज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी जैसे मैंने बताया आपको पी डी एच के पेड पैकेज वाले सेक्शन में ठीक है चलिए मैं आपको राइट आंसर इसको बता देता हूँ इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका फोर है एंड द राइट आंसर इज शहरी मामलों का मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इसके जो मंत्री हैं आप देख सकते हैं ये हैं इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है तो हरदीप सिंह पुरी हैं और इन्होंने ही हाल ही में ई संपदा नामक एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी ठीक आज कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अगर आपसे एजुकेशन मिनिस्टर पूछता है तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो गए रमेश प्रसाद रमेश प्रसाद निशंक ठीक ये हैं आपके शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछता है तो किरण रिजिजू इसके मिनिस्टर हैं ठीक चलिए तो इस रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वन नेशन वन सिस्टम के रिगार्डिंग ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है है ना ठीक मिनिस्ट्री ऑफ वन अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो यहाँ पे आपके वो दिए हैं मैंने ठीक जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स किसकी के लिए वो कर दिए तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्जीक्यूटिव इस मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कौन है तो दुर्गा शंकर मिश्रा है ठीक आपसे पूछता है अगर फाउंडेशन कब हुई है तो नाइनटीन फिफ्टी टू में हुई है हेड क्वार्टर कहाँ है तो दिल्ली में इसके हेड क्वार्टर हैं और ऑफिशियल होल्डर यानी इसके मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर ये नरेंद्र सिंह तोमर कौन है मैंने आपको बताया था कि ये कृषि मंत्री भी है करंट में ठीक है तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता है विच इज दीज हैव रिसेंटली साइंड द ब्रेग्जिट डील इनमें से किन दो देशों ने हाल ही में ब्रेग्जिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया यूएसए ने किए हैं इंडिया जापान ने ई और यू या ई और रसिया चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन का आंसर देना मतलब अपनी कॉपी में नोट करिए इसका आंसर राइट आंसर क्या है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ई यू और यू के यानी यूनाइटेड नेशंस और यू के आपके जो हैं इन्होंने हाल ही में ब्रेगज़िट डील पे साइन की हैं ठीक है थीके? और इसे कुछ इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दी है आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप अगर आप पे पी डी ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर ये मिल जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट वॉट इज़ दस ऑफिशियल नेम ऑफ द कोरोना वायरस डिसीज़ यानी कोरोना वायरस जो बीमारी है कोविड वाली उसका ऑफिशियल नेम क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता है सार्स कोफ डी वो ट्वेंटी ट्वेंटी बोथ ए एन बी यानी और या यन ऑफ दीज राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ठीक तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका यह राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एन बी आपके दोनों यानी सार्स कोफ टू भी कोफ टू भी इसका राइट right आंसर है और वो ट्वेंटी ट्वेंटी भी इसका राइट right आंसर है ठीक है चलिए कोविड वाला जो आपका वायरस था ठीक है और आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि अगर आपसे वो ट्वेंटी ट्वेंटी का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका राइट आंसर क्या है वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है ठीक है चलिए अगर आपसे सार्स का पूछता है तो सार्स का आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सार्स का फुल फॉर्म क्या था ठीक है चलिए अगर और एक चीज़ बता दूँ मैं अगर आपसे पूछता है कि कोई भी जैसे कोई भी वैक्सीन आ रही है ठीक है यह को, सॉरी कोई भी वायरस आ रहा है वायरस से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ है होती हैं उनका नामकरण कौन करता है तो मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल कमेटी ये है आपकी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोमी टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस यानी आईसीटीवी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके वायरस डिजीजेस होती हैं उनका नामकरण करती है ठीक है चलिए तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए कि पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि किस कौन नामकरण करता है जो भी कोई डिजीजेज आती है तो आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनमी ऑन ऑफ वायरसेस ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये नामकरण करती है दूसरी चीज़ आपसे सार्स्कोव टी का फुल फॉर्म पूछता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या था और इस तो डिटेक्ट कब किया गया था सार्स्कोव टी टू को यहाँ पे मैंने यहाँ पे दी रखी है इन्फॉमेशन ठीक है आप यहाँ पे देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये आपका काम है ठीक चलिए वेरेंट ऑफ कंसर्न ये आपका वोक का फुल फॉर्म है जो कि अभी नया स्ट्रेन आपको पता चला होगा देखा होगा अपनी न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया था तो उसी को देखते हुए इसका दूसरा नाम यानी वी ओ सी वोक ट्वेंटी ट्वेंटी रखा गया था ठीक चलिए क्यों वोक ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व वन क्यों रखा गया था क्योंकि इसको बारहवें महीने यानी दिसंबर में ही इसका स्ट्रेन पकड़ा गया था मतलब इसका स्ट्रेन बहुत से लोगों में देखा गया था ठीक है चलिए फॉरन कंट्रीज़ में ये था नेक्स्ट रॉबिन जैक्शन आपके जो रिसेंटली डाइड हैं ये किस से रिलेटेड हैं रॉबिन जैक्सन का हाल ही में निधन हो गया वो इनमें से किस से संबंधित हैं या अभिनेता नेता थे पॉलिटिशियन थे राजनीतिक थे सिंगर थे या क्रिकेट प्लेयर थे जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है एंड द राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है आपका ये है क्रिकेट प्लेयर मैं ये इन, आपको क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए फेमस जो जितनी भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके निधन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है इसमें से बस इतना क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस देश से संबंधित है तो ये इंग्लैंड से संबंधित है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है दूसरा चीज अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किससे रिलेटेड थे, थे मतलब किस स्पोर्ट से तो ये मतलब किस सेक्टर से ठीक स्पोर्ट्स पूछेगा तो आपको क्रिकेट पता है जाहिर सी पता है अगर आपको सेक्टर पूछता है तो यहाँ पर भी आपका जो है एक्टर पॉलिटिशियन सिंगर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट प्लेयर थे ठीक ये इनकी रही फोटो और ये कमेंटेटर भी थे कमेंट्री भी करते थे ठीक है चलिए आपसे इंग्लैंड से अगर रिलेटेड कुछ पूछता है तो इंग्लैंड से रिलेटेड ये मैं आपको दो चीज़ें ले आया हूँ कि कैपिटल कौन है कैपिटल है लंडन और करेंसी कौन है क्या है पाउंड स्टेल्डिंग या की करेंसी इंग्लैंड की ठीक चलिए नेक्स्ट विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द रिलीजियस फ्रीडम बिल ट्वेंटी ट्वेंटी हाल ही में किस राज्य मंत्री मं, मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक ट्वेंटी ट्वेंटी को मंजूरी दी तो यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान एंड द राइट आंसर इज़ वट इज़ द राइट आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए राइट आंसर है आपका एम यानी मध्य प्रदेश ठीक है चलिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिए वन डे एग्जाम्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ पूछता है तो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए जो भी मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है मैं आपको आप बताता चलूँ और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कोई भी वन डे एग्जाम्स में कोई भी टॉपिक से मैं प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए आपके प्रॉब्लम को का सोल्यूशन निकाला जाएगा ठीक है चलिए कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको आप बताइए और ये भी बताते चलिएगा कि हम किस किस टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में अगर आपसे पूछता है एमपी कैपिटल भोपाल है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पॉपुलेशन इतनी है टू के अकॉर्डिंग ठीक है और ऑफिशियल ट्री अगर पूछता है जिससे मैंने आपको वहाँ पे बताया था झारखंड वाला साल ट्री यहाँ पे अगर आपसे ऑफिशियल ट्री पूछता है तो बनहन ट्री हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो फिफ्टी फाइव डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यहाँ पे कहाँ पे एमपी में ठीक है चलिए और अगर इसकी आपसे ये पूछेगा नहीं वैसे लेकिन हाँ अगर पूछता है पूछता है तो यहाँ बता सकते हैं कि इस विधेयक के अंदर अगर ये राशि का रखी जुर्माना राशि तो यहाँ पर ट्वेंटी पेनल्टी है और पकड़े जाने पर और एक से पाँच साल तक की सजा भी हो सकती है इस जो अधिनियम जो बिल पास हुआ एंटी लव जिहाद बिल ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अबाउट टॉप प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय में कौन सीट पर रहा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में टॉप किसने किया है टॉप सिविक बॉडी बेस्ट परफॉर्मिंग एंड द राइट आंसर इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन एंड द राइट आंसर इज विशाखापत्नम इन इसने नागरिक निकाय सिविक बॉडी के रूप में टॉप किया है ठीक है चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर बता दूँ मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है गवर्नर यहाँ के बिजभूषण हरिचंदन है लैंग्वेज यहाँ की तेलुगु है चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी है ठीक है चलिए और कुछ मैं आपको इंफॉर्मेश आपको बताता हूँ तो ये रही इंफॉर्मेशन आपकी ठीक है आपके जो अवार्ड्स हैं इसमें और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अवार्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात कर लेते हैं यूपी पी एम और थर्ड पे आंध्र प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनसिपल काउंसिल की बात करते हैं तो मिर्जापुर जो कि यूपी में है झुमरी तलैया जो कि झारखंड में है और डोंगागढ़ ये जो छत्तीसगढ़ में है इन्होंने जो है वो टॉप किया है ठीक है बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी में मैंने आपको बताया सिविक बॉडी में कौन सा है हमारा सिविक बॉडी में हमारा आंध्र प्रदेश ठीक है का आंध्र प्रदेश का विशाखापत्नम और अगर आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका इंप्लीमेंटेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करता है तो वहां पे इस तरह के आपके आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर सेक्शन प्रोजेक्ट इज बीग इंप्लीमेंटेड बाय पूर्वी समर्पित फ्रेड कॉरिडोर धारा परियोजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है इनमें से डी एफ सी सी आई एल या आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे होम मिनिस्ट्री और नन ऑफ दिस राइट आंसर क्या है आपका जल्दी बताइए देखिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो भी रिसेंट के बन सकते हैं और भी इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपको बस तैयारी करनी है ठीक है चलिए और इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका ये डी एफ सी सी आई एल ये आपका क्या है ये आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उन सभी की जो निर्माण कार्य कर रहा है ये डी एफ सी सी आई एल कर रहा है ठीक है चलिए और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे उससे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है तो नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं होम मिनिस्ट्री आपको बताइए किसके पास है अमित शाह जी इसके होम मिनिस्टर हैं मतलब गृह मंत्रालय जो है भारत का उसके मिनिस्टर हैं गृह मंत्रालय के ठीक है चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए आपको पता होगा कि जब आप कभी स्टेशन में होते हैं तो आपने देखा होगा कि जितनी भी माल गाड़ियाँ होती हैं मैं आपको एक मिनट वीडियो को रोक के मैं आपको बता रहा हूँ सुन इन्फॉर्मेटिव है तो आप जान लीजिए आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर क्या होता है कि आपकी जो पैसेंजर्स गाड़ियाँ होती हैं जो भी ट्रेनें होती हैं उनको पहले रास्ता दिया जाता है और यहीं पर मेन प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है शिप के द्वारा मतलब कंट्रीज़ की कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ और भारत में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है रेलवे से लेकिन और सबसे सस्ती भी है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रेलवे में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का रेलवे का यूज़ नहीं किया जाता क्यों क्योंकि देखिए आपकी उसी कॉरिडोर से उसी मतलब पटरी से आपकी पैसेंजर ट्रेन भी निकलनी है और उसी से क्या होगी मालगाड़ी भी निकलेगी तो कई बार क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन को निकालने के चक्कर में जो आपकी जो आपका स्टेशन होता है वहाँ पे इनको मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है एक जगह पे और पहले पैसेंजर ट्रेनों को रास्ता दिया जाता है इसकी वजह से क्या होता है कि माल लेट होता है और लेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है जो आपके व्यापारी हैं उनको भी और गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है क्योंकि वो क्या होता है कि दूसरा रूट चूज़ कर लेते हैं भाई रेलवे से नहीं करेंगे तो किसी और साधन से तो करेंगे ही ना अपना व्यापार तो इससे क्या होगा कि आपका वो जितने भी व्यापारी होंगे वो सब क्या कर लेते हैं दूसरा साधन अपने चूज कर लेते हैं रेलवे को जोड़ देते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का भी लॉस होता है और उनका भी लॉस होता है तो अब क्या करिए गवर्नमेंट केवल इन्हीं के लिए डेडिकेटेड इसीलिए आपको इसको बत, कहा गया है कि डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर इसीलिए इसका नाम रखा गया है ये क्या करेंगे कि केवल ये ऐसी पटरियाँ बिछा रहे हैं कि जहाँ पर केवल और केवल मालगाड़ी को ही दौड़ाया जाएगा मतलब केवल आपकी जो मालगाड़ियाँ हैं उन्हीं का वहाँ पर रूट चलाया जाएगा ठीक है ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका जो है माल का ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सकें और कम, जो कंट्री को जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो ना हो ठीक है चलिए तो अभी क्या हुआ कि अभी वेस्टर्नस भी हुआ वेस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर का भी अनावरण हुआ था और इ, इसका भी ईस्टर्न का भी हुआ है तो यहाँ पर ईस्टर्न की बात हो रही है ठीक है दोनों की डी एफ सी सी आई एल कर रही है और रेल मंत्रालय के अधीन ये कंपनी कार्य कर रही है ठीक है चलिए यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए मैं आपको यहाँ पे ये यह मैं आपके लिए लाया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ देखिए आपका ये ये देखिए आप रूट देखिएगा ये देखिए ये यहाँ से आपका रूट बन रहा है और यहाँ पर और ये इस तरह से रूट बन रहा है ये आपका हो गया वेस्टर्न कॉरिडोर और ये आपका हो गया ईस्टर्न कॉरिडोर सॉरी ये आपका हो गया ईस्टर्न कॉरिडोर और आपका ये हो गया वेस्टर्न कॉरिडोर ठीक है इस तरह से आपके कॉरिडोर हैं जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर होगा ये लुधियाना से शुरू होगा डंकुनी तक जाएगा और आपका जो वेस्टर्न कॉरिडोर है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्टर्न कॉरिडोर आपका यहाँ से शुरू होगा ठीक है खुर्जा के पास से और जे मुंबई में आपका इसका अंत होगा ठीक है चलिए ये कुछ इसके रास्ते हैं ठीक है अगर आपसे इंसर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको जैसे ही आप यहाँ पे पॉज करके भी इनको लिख सकते हैं और अगर आप पैकेज ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं आपको पी प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो आप वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली ठीक है चलिए ये आपके हो गए दस क्वेश्चन पूछे और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने आपके लिए नई स्लाइड लगाई है इससे क्या होगा आपका रिविज़न चलता रहेगा और हमें आसानी होगी आपको क्वेश्चन रिवाइज़ करवाने में ठीक है वॉट इज द फुल फ्रॉम ऑफ विप्रो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन वट इज़ द मोटो ऑफ डी आर डी यू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और व्हाट इज हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ये पांच क्वेश्चन है आपको हर दस क्वेश्चन के बाद ये पांच क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे और इसमें एक एक मैंने एक चीज़ रखी है इसमें क्या होगा इन क्वेश्चनों में एक ट्रिकी क्वेश्चन है अब आप कमेंट सेक्शन में जब इसका आंसर देंगे तो वहाँ पर मैं देखूंगा कि किस स्टूडेंट्स ने एकदम सही से उसका आंसर किया है इन पांच क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ट्रिकी है

हु हैज़ बीन डिक्लेयर एज द कैप्टन ऑफ वन डे एंड टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम ऑफ द डी केड बाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो अगर आपसे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल में वन डे एंड टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम ऑफ द डी के किसके द्वारा शुरू किया गया है ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए तो आई सी सी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया गया है इसमें ये आपको पूछेगा कि अवार्ड किसको दिया गया है एक दिवसीय और टी ट्वेंटी यानी डे और टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम का कैप्टन के रूप में अवर्ड किसको दिया गया है तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा एम एस धोनी ठीक एम एस धोनी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये आप देख सकते हो और आई सी सी टी ट्वेंटी ओडीआई इंटरेस्ट टीम ऑफ द डी केट डीकेट मीन्स आपका ये है कि आप इन्होंने आई सी सी ने एक तरह से वो लिस्ट जारी की है जो दस साल में अगर ये कोई दस साल में एक बार क्रिकेट हो और उसके लिए कोई टीम गठित हो तो उसका कैप्टन हो कौन होगा वाइस कैप्टन कौन होगा इस तरह से उन्होंने एक लिस्ट जारी की है हालांकि वो टीम खेलेगी नहीं मतलब ऐसे ही उन्होंने एक लिस्ट जारी की अगर दस साल के लिए कोई टीम बनेगी तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिस्ट जारी की ठीक है तो ये अवार्ड किसको मिला है धोनी को मिला है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा अभी कौन कौन से एग्जाम्स में होने वाले हैं देखिए अभी आई का होने वाला है और एम पी का होने वाला है तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं और भी कई सारे एग्जाम हैं आपकी डी आर डी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है और भी कई एग्जाम है तो उन सभी के लिए आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए हम आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे करंट से ठीक है चलिए नेक्स्ट ये होगा आपका राइट आंसर और अबाउट आईसीसी मैंने आपको जैसे बताया कि हम आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको लेके आ गया हूँ चेयरपर्सन पूछता है तो ग्रेग बैर्कले हैं सीईओ मनु शव कब बनाए थे जुलाई ट्वेंटी को हेड क्वार्टर कहाँ है तो दुबई यू में और फाउंडेड यानी कब इस्टेब्लिश हुआ था तो फिफ्टीन जून नाइनटीन में इस्टेब्लिश हुआ था ठीक चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है विच स्टेट वॉन द डिजिटल अवार्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी जीता था और इसका राइट right आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अलावा आप प्रैक्टिस के लिए कॉपी पेन भी लेके बैठे होंगे उसमें आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर करना है क्या है क्वेश्चन ठीक है राइट आंसर क्या है इसका बिहार ठीक तो बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड ट्वेंटी प्रोवाइड करवाया गया था किस लिए क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की थी किस टाइम पर जब आपके देखा होगा प्रवासी मजदूर जो भी थे लॉकडाउन के तहत तो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रहे थे तब इनके द्वारा लैप ऐप लॉन्च किया गया था जिनमें उनकी जो है हेल्प की जा रही थी तो इसके लिए इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड ट्वेंटी से अवार्ड किया गया है अवार्ड दिया गया है ठीक है चलिए ये रहा आपका और एडिशनल फैक्ट एडिशनल फैक्ट में क्या है भाई गवर्नर कौन है फागू चौहान है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फ्रूट ऑफिशियल अगर फ्रूट पूछता है तो फ्रूट है मैंगो ठीक है और ये क्या लिखा है भाई मैगनी क्या लिखा है मै मे, मैंगी फेरा लिखा है अच्छा मैंगी फेरा इंडिका ये क्या है तो अगर आपसे पूछता है कि वैसे ये साइंस का क्वेश्चन है अगर आपसे पूछता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है तो ये है मैगनी फेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम ये आप वहाँ पर बता दोगे ठीक है चलिए आपसे कैपिटल पूछता है बिहार की तो कैपिटल है बिहार की पटना ठीक चलिए ये मैं आप आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है एज़ इट इज़ यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा ठीक है ये रही आपकी बिहार सहायता मोबाइल ऐप अगर आपसे पूछता है कि सहायता किसने लॉन्च की थी तो यहाँ पे जाहिर सी बातें लिखा गया और किसके लिए लॉन्च की थी तो देखिए पैंडमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो वर्कर थे आउटसाइडर वो जो आ रहे थे उनको बहुत सारी चीज़ों के प्रोवाइड करवाई गई थी तो इसलिए इनको दिया और एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है अगर आप पढ़ पा रहे हो क्या है ये देखिए उत्तर प्रदेश इसके पहले भी उत्तर प्रदेश को नागरिक आपूर्ति विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस उत्कृष्टता श्रेणी तो के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड ट्वेंटी दिया था ठीक है इसके लिए यूपी के लिए है तो ये आप देख लीजिएगा यूपी को भी मिला था और बिहार को इस ऐप के लिए मिला है ठीक है चलिए वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी बी आई सी सी बी आई सी का पूर्ण रूप क्या है सी बी आई सी का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे तो सी बी आई सी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये आपको बताना है या नन ऑफ दिस इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है तो आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है मैं आपको राइट आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स केंद्रीय प्रत्यक्ष और सुल, सीमा शुल्क बोर्ड इसका राइट आंसर है क्या हुआ है क्यों ये न्यूज़ में है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की थी कि करदाताओं के द्वारा एक परसेंट नगद अनिवार्य रूप से भुगतान किया ही जाना चाहिए अच्छा अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं कि आपका सी काम कैसे करता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट एज एंड कस्टम्स इज द नोडल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग कस्टम्स जी सेंट्रल एक्सरसाइज सर्विस टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स इन इंडिया इन सब चीज़ों के लिए काम होता है इसमें ठीक चेयरपर्सन के बारे में आपसे पूछेगा तो एम अजीत कुमार चेयरपर्सन है फाउंडेड फाउंडेशन कब हुई थी तो एक जनवरी 1964 को हुई थी मोटो क्या है मोटो है इसका देश सेवार्थ कर संचय इलेक्टेड ऑफिसर कौन है निर्मला सीतारामन है मतलब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखी जाती है और सब्सिडरी के अगर आपसे सब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए अगर इससे सब्सिडी पूछता है तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की सब्सिडरी है मतलब ये सहायक कंपनी है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द हंड्रेड किसान रेल ऑफ इंडिया लॉन्च बाय विच ऑफ दिस भारत की सौं किसान रेल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया इनमें से तो ये बता दूं मैं कि हाल मतलब स्पेशली किसानों के लिए चलाई गई थी क्यों देखिए बहुत ज़्यादा क्या होता है कि किसानों को जैसे अपनी फसल दूसरे स्टेट्स में बेचनी है अपना आ, फसल हो गई या कोई भी सब्जी हो गई दूध हो गया इधर से उधर पहुँचाना है तो क्या होगा कि अगर नॉर्मल वे से जाएंगे तो भाई उनकी बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हो जाएगा बहुत सारी फसलें उनकी बर्बाद हो जाएंगी पहुँचते पहुँचते वहाँ पर ख़राब हो जाएंगी जैसे डेली की जो भी वेजिटेबल्स हो गई कई सारी चीज़ें हो गई जो डेली ही पहुँच सकती हैं उनमें टाइम नहीं लगना चाहिए तो इसके लिए किसान रेल जो है शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी पहली भी और सौवीं भी इसकी नरेंद्र मोदी जी ने इसको ही झंडी दी थी तो इससे क्या होगा किसानों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था आप और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने वादा किया था किसानों से कि उनकी आय दोगुनी करेंगे और इसी के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम भी किया था ठीक है चलिए इसका राइट आंसर आपने देख लिया और ये ट्रेन मैं बता दूं जो आपकी सौमी ट्रेन चली है ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के सालीमार के बीच चलती है ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा और इस ट्रेन में देखिए मैंने आपको जैसे बताया ट्रेन में शिमला मिर्च फूल गोभी पत्ता गोभी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स हैं जो है डेली की चीज़ें हैं वो पहुँचानी है ठीक और आपसे पूछता है कि कब लॉन्च की गई हंड्रेड हंड्रेड वाली जो ट्रेन है अट्ठाईस दिसंबर दो हज़ार बीस को ये लॉन्च की मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगर आपसे पूछता है पहली ट्रेन कब चली तो पहली ट्रेन आपको बता दूं कि फर्स्ट मल्टीमीडिया कमोडिटी सर्विस ऑफ किसान रेल वॉज लॉन्च इन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए पहली अगस्त में चली थी और सौवीं सॉरी पहली अगस्त में चली थी और सोवीं हाँ सौवीं दिसंबर में चली ये चीज़ आप याद रखिएगा बहुत जल्दी इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया अच्छा जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार से दानापुर के बीच लॉन्च की गई थी ठीक है इसे तब मुजफ्फर मुजफ़्फ़रपुर तक बढ़ाया गया तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं इनको आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो पहली जो द फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन ऑपरेट इन इंडिया जो है पहली जो ड्राइवरलेस ट्रेन थी वो कहाँ चलाई गई थी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कोलकाता मेट्रो स्टेशन से चलाई गई थी बेंगलुरु से लखनऊ से या दिल्ली मेट्रो स्टेशन से राइट आंसर जल्दी बताइए राइट right आंसर क्या है दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहले भारत में जो पहली ड्राइवरलेस ट्रेन थी पर चलेंज इसका हुआ है अभी हाल ही में उसका दिल्ली मेट्रो में हुआ है ठीक है ये चीज़ें रखिएगा और किसके द्वारा चलाई गई इसका ऑरिजिन किसके द्वारा दी गई तो और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या है भाई वो ये भी देख लीजिए दिल्ली से जुड़ा क्वेश्चन तो आपको पता होगा दिल्ली यूटी है और भारत में जितनी भी यूटी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा ठीक है चलिए अंडा मान निकोबार यू टी है पूछता है तो आप यहाँ बता सकते हैं एडमिरल टी के बक्स जोशी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपको पता होगा यूटी में जो होता है वो ऊपर राज्यपाल होते हैं और अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर हो ठीक और यू में क्या होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ठीक चलिए चंडीगढ़ यू की बात करें तो श्री वी सिंह बंडौर ये हैं दादर नागर हवेली और दमन निधि आपको ये पता है इनके कौन है प्रफुल्ल पटेल हैं दिल्ली की बात कर लें तो अनिल बैजल आपको ये पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मनोज सिन्हा है इसके पहले कौन थे तो इसके पहले म... मनोज सिन्हा जी के पहले थे गिरीश चंद मुर्मू और गिरीश चंद मुर्मू कौन है कैग हैं ठीक है चलिए लक्ष्यदीप लक्षदीप के कौन है तो प्रफुल्ल पटेल लक्ष्यद्वीप के भी हैं ये चीज़ याद रखिएगा पांडुचेरी पुदुचेरी के कौन है तो ये यहाँ पे किरण बेदी ये आईपीएस थी पहले और अभी क्या है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुदुचेरी की लद्दाख की अगर बात पूछें तो लद्दाख की कौन है राधा कृष्णा माथुर ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ये उपराज्यपाल हैं तो ये इंपॉर्टेंट है एक बार में मैंने आपको आठों जितनी भी यूटीज़ थी उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दी तो बस आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही होंगी तो बस आप इतना देखते चाहिए कि आपकी कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने दे देंगे ठीक है ये प्रॉमिस रहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द आर्ट ऑफ मोमपा हैंडमेड पेपर ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री जो आपका ये मोन पहा हर कागज़ है की कला है जो ये आर्ट है किस देश से उत्पन्न हुई और ये चर्चा में क्यों है तो ये भी मैं बताऊंगा चर्चा में क्यों है और उत्पन्न मतलब ओरिजिनेशन कंट्री पूछा है तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में ओरिजिनेट हुई थी यूएसए में हुई थी चाइना में हुई थी या रशिया में हुई थी राइट right आंसर आपको बताना है एंड द राइट आंसर इज चाइना देखिए आपको पता होगा कि भारत में सब मतलब कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की कंट्रीज़ में सबसे पहले चाइना में ही कागज़ का आविष्कार हुआ था अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहले वर्ल्ड में कहाँ पर कागज़ का जो है वो आविष्कार हुआ था तो चाइना में ही हुआ था ये चीज़ याद रखिएगा और ये एक तरह की आर्ट है कौन सी मोमपा ये हैंडमेड पेपर है ये एक तरह की आर्ट है पेपर की जिसको हाल ही में क्या हुआ इसको फिर से रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा खादी और ग्रामीण ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में मोमपा हस्त कागज बनाने की एक इकाई की स्थापना की है मतलब एक यूनिट की स्थापना की गई इंडिया में ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है थीके? इसी टेक्निक से और इस टेक्निक में खासियत भी है क्या खासियत है देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक एक हज़ार साल पुरानी है ठीक है और ये है हे, हेरिटेज के नाम पे भी एक तरह से जानी जाती है तो इसी रिले इसी से रिलेट करते हुए जो आपकी खादी ग्रामोद्योग जो आयोग है इसने इसकी की एक इकाई खोली है तो आपके कुछ क्वेश्चन हैं ये बन गए यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि मोमपा हैंडमेड प्रॉपर पेपर कहाँ की टेक वो है आर्ट है तो चाइना की है पहले सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था चाइन कागज़ तो चाइना में हुआ था और इसको यानी आपकी जो मोमपा हार्स हर्ष निर्मित कागज है हैंडमेड पेपर है इसकी पहली यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी मतलब अभी करंट में तो ये भी आप बता सकते हैं कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है ठीक है ये चीज़ अब याद रखिएगा ठीक चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली द लुका सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा विचित्र <laughs> है लगा लाजी सॉरी लगा लाजी की खोज आंध्र प्रदेश के किस जिले में की गई रिसेंटली का Portu, लाजी इज डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ये चीज़ याद रखनी है आपको अच्छा इसका इसका जिक्र क्यों हो रहा है क्योंकि ये आपको पता होगा रेड डेटा बुक मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अगर आपको आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रेड डेटा बुक जो होती है बहुत सारी जो भी लुप्त प्रजातियाँ होती हैं जो भी स्पेसिज होती हैं उनकी एक जगह पे रेड डेटा बुक में नाम होता है जिनका संरक्षण किया जा रहा है किया जाना सुनिश्चित किया जाता है ताकि जो हमारा जो कल्चर है उसको एक तरह से रखा जा सके बचा के तो अभी इसकी खोज हुई है आंध्र प्रदेश में ये एक तरह का सन रोज़ है ठीक है एक जंगली सन रोज़ है और इसको रेड डेटा बुक में ए, लगाया भी गया था क्योंकि ये लुफ्त हो रहा था और हाल ही में इसको कहाँ खोजा गया है तो आंध्र प्रदेश के पराकशम जिले में ही इसको खोजा गया है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा और इसका अगर आपसे क्वेश्चन ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग में भी लेके आया हूँ न्यू स्पेशज ऑफ़ सन रोज़ फाउंड इन ईस्टर्न घाट ये आपको पता होगा ईस्टर्न घाट में ढूंढा गया है इसको कहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर ठीक है और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया था तो पोर्टुका लाल जी एक वैज्ञानिक थे इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था ठीक ये चीज़ याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट एटीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से किसके द्वारा ग्रीन प्रोपल्सन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी ये चीज़ याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक इसरो के द्वारा नासा के द्वारा सी के द्वारा सी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सी बोलते हैं ठीक है और अगर से जापान की पूछता है तो जाक्सा और आपके अमेरिका की पूछता है तो ना नासा ठीक और आपकी कहाँ की है रशिया की है, स्पेस एजेंसी है चलिए इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो है वो हाल सी हाल ही में इसरो के द्वारा विकसित की गई थी किसी किसको लेके गगन मिशन गगन या आपको पता होगा मिशन गगन लगन के लिए इसको जो है वो विकसित किया गया था ठीक है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यह प्रोवाइड करवा दी आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज रिसेंटली प्रपोज स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने मानक यात्रा बीमा पॉलिसी की प्रस्तावित प्रस्तावित की है नीति आयोग नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या आई आई इसमें से किसने अभी रिसेंट में स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जल्दी बताइए प्रस्तावित की है ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा आई आर डी ए आई अभी आई आर डी ए आई का फुल फॉर्म क्या है तो आपका इस आई आई आर डी ए आई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आई आर डी ए आई का फुलफॉर्म हो गया ठीक है चलिए कुछ इंफॉम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आपके यहाँ पे ये यह लिखें ठीक है, है क्या लिखे है भाई फाउंडेशन कब इसकी आई आर डी ए आई की तो नाइनटीन नाइन्टी नाइन में हुई थी किस से किस से जुड़ा सेक्टर है तो इंश्योरेंस से जुड़ा सेक्टर है हेडकोर्टर पूछता है तो हैदराबाद में टाइप है. पूछता है तो स्टेटरी कॉरपोरेशन है ये और चेयरपर्सन कौन है सुभाष चंद्र कुंटिया के इसके चेयरपर्सन है किसके आई आर डी आई के ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइव आईज नेटवर्क इनमें से कौन सा जो कंट्री है कौन सी कंट्री है वो फाइव आई नेटवर्क का हिस्सा नहीं है जल्दी बताइए भारत यूएसए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये आपको आंसर करना है आपको प्रैक्टिस में करवाना हूँ एक तरह से और बहुत सारे जो आप दिन भर करंट पढ़ते हो उनमें से इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बोला भी था कि वीडियो कैसी लग रही रिव्यू दीजिएगा आपने रिव्यू दिए उसके लिए थैंक यू सो मच और डे बाई डे हम जो है वो कई सारे सुधार करेंगे ठीक है वीडियो के अंदर चलिए और आपकी कोई सलाह हो तो बिल्कुल दीजिए और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आप कुछ फ़ीचर्स इसमें से ऐड करना चाहते हैं ठीक है तो वो भी बताइएगा हम उसको भी स्लाइड में ऐड करेंगे ठीक है चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया रेड आई जो फाइव आईज हैं उसमें इंडिया नहीं है इंडिया नहीं है तो कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ चलिए अच्छा एक चीज़ और ये न्यूज़ पे क्यों है तो इसमें एक और कंट्री ऐड होने वाली यानी फाइव आई से सिक्स आई होने वाली है ये अभी मैं बताऊँगा क्यों चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया हो जाएगा अच्छा अगर आपसे पूछता है फाउंडेशन कब हुई थी इसकी तो फाउंडेशन इस थी इसकी चौदह अगस्त नाइनटीन फोर्टी वन में अब इसकी कं, कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते तो कंट्रीज हैं कंट्रीज़ हैं फाइव आई कंट्रीज़ कौन सी सी हैं आपकी ये हो गई ये हो गई ऑस्ट्रेलिया कैनेडा ब्रिटेन यू एंड न्यूजीलैंड और अभी सिक्स आई सिक्स जो छठवीं जो है कंट्री स्टैब्लिश होने जा रही है इसमें मिक्स होने जा रही वो है जापान मतलब फाइव फाइव आई में के अंदर कौन कौन थे ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्रिटेन यूएस और न्यूजीलैंड थे ठीक अभी सिक्स छर्टी कौन सी जुड़ने जा रही तो जापान इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि छठवीं कंट्री जो है वो फाइव आई के अंदर कौन एड होने जा रही तो जापान होने जा रही है ये आप याद रखिएगा ठीक है, है? चलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको लेके आया था फैक्ट उसको मैं दिखा देता हूँ अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको बिल्कुल तुरंत आंसर दे देना है ठीक है चलिए फाइव आई कंट्रीज पूछेगा तो ये रही आपकी फाइव आई कंट्रीज़ यू यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें कौन ऐड होने जा रहा है तो इसमें ऐड होने जा रहा है आपका जापान अच्छा अगर आपसे नाइन आइस कंट्रीज़ पूछता है तो नाइन आइस कंट्रीज़ रही ये आपकी यानी फाइव आई कंट्रीज़ और प्लस आपकी डेनमार्क फ्रांस हॉलैंड और नॉर्वे ठीक अच्छा अब अगर आपसे फोरटीन आइस कंट्रीज़ पूछता है तो फोर्टीन आइस कंट्री कौन है नाइन आई कंट्रीज़ ये वाली और आपकी ये कंट्रीज़ कौन कौन सी जर्मनी बेल्जियम इटली स्वीडन स्पेन इसमें।, इसमें भारत कहीं भी नहीं ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है अगर आपसे पूछता है कि फाइव आई कंट्रीज़ या नाइन आइस कंट्रीज़ या फोर्टीन आइस कंट्रीज़ में इंडिया है तो सॉरी इंडियन नहीं है इनमें ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे हो चुके हैं आपके बीस क्वेश्चन खत्म और यहाँ पे एक फिर से स्लाइड आ चुकी है आपके आन, सामने क्वेश्चन आंसर की तो मैं आपको बता दूँ कि इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें से आपका फ़ायदा ही है आप इस जो हमने ये एडिशनल चीज़ की है इसके बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ये आपको अच्छा लगा कि नहीं ये भी बताइएगा ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन ओनर ऑफ स्पेस एक्स कंपनी मालिक कौन है स्पेस एक्स के ये भी बताना है आपको टैगलाइन क्या है एस यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है फुल फॉर्म ऑफ बी ए आर सी बी आर सी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है सी ई ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये सी ई ओ कौन है इस कम इसके सीरम के और आपका लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी मैंने आपको जैसा बताया लास्ट में बोला था कि आप एक इसमें एडिशनल जो आपका ट्रिकी क्वेश्चन होगा वो होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक ट्रिकी क्वेश्चन है वो कब बताऊंगा मैं वो आपको नकली वीडियो में बताऊंगा जब आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिकी क्वेश्चन क्या था इस स्लाइड के अंदर ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ रहा है द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक एपिडेमिकिप्रिपेयरनेस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन कब सेलिब्रेट किया गया ये आपको बताऊगा ये कौन है ये हैं भाई हमारे टेड्रॉस एडिनोम ठीक चलिए कौन है ये डब्ल्यू एच ओ का हेड है भाई ये याद रखना चलिए आपके ऑप्शन है ट्वेंटी सिक्स डिसम्बर ट्वेंटी सेवन डिसम्बर ट्वेंटी एट दिसंबर या ट्वेंटी नाइन दिसंबर पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस महामारी के लिए कौन सा मनाया गया तो यहाँ पे आपको आंसर देना है राइट आंसर कौन सा है भाई आपका राइट आंसर है आपका ट्वेंटी सेवन दिसंबर ठीक है ये चीज़ आप याद रखिए एडिशनल फैक्ट के बारे में बात कर लें एडिशनल आपके फैक्ट की रहे कौन कौन से हैं भाई एडिशनल फैक्ट में आपको यू के बारे में हम बताते हैं चलिए ठीक है यहाँ पे आप याद रखिएगा सत्ताईस दिसंबर को ये पहली बार मनाया गया था ये चीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछता है पहली बार था ये तो पहली बार ही था कब मनाया गया ट्वेंटी सेवन दिसंबर को यूएन के बारे में बात करेंगे हेड क्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क ठीक है फाउंडेड यानी फाउंडेशन कब हुई थी इसकी ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन फोटी फोर्टी को ठीक है और सेक्रेटरी जनरल कौन है एंटोनियो गुटेरस है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जो आपका नेशनल मोबिलिटी कार्ड है ये किस मंत्रालय की कल्पना की गई थी मतलब किस मंत्रालय ने इसकी कल्पना की और लॉन्च की यहाँ पे भी अगर आप फोटो देख सकते हैं तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा कौन है भाई इसका राइट आंसर अगर आपको फोटो फोटो से याद आ सकता है भाई जल्दी से बताओ कौन सा होगा राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी जी हैं यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको कुछ देर दिन फिलवाया था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्रालय के मंत्री कौन है हरदीप सिंह पुरी हैं ये चीज़ याद रखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड ठीक है चलिए अच्छा ये किस दिन बनाया गया तो ये बनाया गया अट्ठाईस दिसंबर को मतलब लॉन्च कब किया गया था इन्होंने कल्पना कब की तो ये अट्ठाईस दिसंबर दो हज़ार बीस की बात है ठीक है ये चीज़ अगर आपसे पूछ सकता है तो लॉन्च किस कंस किस दिन किया गया था ये देख सकते हैं वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत लॉन्च किया गया अच्छा इसका होगा क्या तो कुछ स्पेसिफिक बैंक है उनके द्वारा कार्ड जारी किया जाएगा ये कार्ड हर जगह वैलिड होगा मतलब आप इससे मेट्रो में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बस में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये एक आपका एक कार्ड वैलिड होगा ठीक है जैसे अभी आप ए देखते हैं वैसा ही सेम होगा कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में बता देते हैं फैक्ट के बारे में जान लीजिए भाई ट्वेंटी एट ऑन ट्वेंटी एट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी पी एम मोदी लॉन्च द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ठीक है ये चीज़ याद रखी है प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया अच्छा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बैंक इसमें इंक्लूड्स होंगी तो ये देखिए आपकी ट्वेंटी थ्री बैंक होंगी और आपकी यूको एस बी आई केनरा पंजाब नेशनल बैंक ये सारी चीज़ें बैंक होंगी इसमें ठीक है ये याद रखिएगा इसमें अच्छा और क्या चीज़ें नेशनल कॉमन मोबिलिटी फैसिलिटीज़ इज़ बी इज़ टू तो बी अवेलेबल ऑल मेट्रो इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू 2022 तक सभी मेट्रो स्टेशनों में ये उपलब्ध हो जाएगी ये चीज़ याद रखिए ठीक है चलिए यह आपको जैसी भी पी दिख रही है सेम ऐसी ही पी आपको पी के पेड पैकेज में मिल जाएगी ज्वाइन करने के लिए आपको इस वाले सेक्शन ये जो आपको नंबर दिया है इस नंबर पर मैसेज करना है कि भाई आपको ये पी चाहिए वहाँ पे आपको पचास रुपए की सिर्फ और सिर्फ पचास रुपए की पेमेंट करनी है और आपको ये पी मिल जाएगी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड इंडियाज़ फर्स्ट न्यूमोनिया वैक्सीन डेवलप्ड बाई विच ऑफ़ दिस भारत का पहला न्यूमोनिया वैक्सीन है इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया भारत बायोटेक के द्वारा जेडस कैंडिला डॉक्टर रेडीज़ लेबोरेटरीज़ या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपके जितने भी हैं अभी मैंने आपको मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे वैक्सीन निर्माता कंपनीज हैं जिन्होंने के और जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई और आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने मतलब अलग अलग कंपनियों के नाम देगा और वैक्सीन के नाम दे सकता है और उनसे पूछ सकता है कि आप इस किस कंपनी कौन ने कौन सी वैक्सीन जो है वो लॉन्च करी तो ये भी मैं बताऊंगा आगे आपको स्लाइड में इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर क्या है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि जो आपकी पह, भारत की पहली वै निमोनिया वैक्सीन की जो टीका जो निर्माण किया गया था वो आपका किसके द्वारा किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्राइवेट कंपनी है इसका हेडक्वाटर कहाँ है पुणे में है ठीक है और इसके सी कौन है आधार पुना वाला इसके सी हैं ये चीज़ याद रखनी चाहिए एडिशनली आपको ठीक है चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में बता देता हूँ कुछ एडिशनल फैक्ट हैं ये रहे है आपके एडिशनल फैक्ट अगर आपसे पूछता है जो कोवैक्सीन है ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई तो भारत बायोटेक के द्वारा कोविशील्ड आपकी वैक्सीन जो है ये सीरम के द्वारा मैन्यूफैक्चर की गई जाए कोव्टी जाएडस कैंडीला के द्वारा और स्पूतनिक फाइव ये रशिया की वैक्सीन है जिसको डॉक्टर लेबोरट्रीज़ डॉक्टर रेडी लेबॉरटरीज के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इसकी की जा रही है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा चलिए अच्छा तो ए, इस टीके का अनावरण किसके द्वारा किया गया था ये चीज़ रखिएगा यहाँ पे आपसे पूछ सकता है तो आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह इनके द्वारा इसका जो है इनाग्रेशन किया गया एक तरह से लॉन्च की गई ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली इंडियन नेवलशिप आई एन एस किल्तान हैज रीज टू कम्बोडिया टू डिलीवर डिलीवर ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस अंडर विच मिशन मानवीय सहायता देने के लिए कंबोडिया जो पहुंचा था आई एन वो कौन सा मिशन था किस मिशन के तहत पहुंचा था ठीक है इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा और ये बहुत ज़्यादा बहुत आपसे पूछी जाएगी इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा वो चीज़ें मैं लिख के लिए लाया हूँ आपको अगली में, स्लाइड में मिलेंगी वो ठीक है तो आपका ये राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन सागर थर्ड मिशन सागर थर्ड के अंदर मिशन सागर थर्ड के अंदर जो है वो आई एन एस कल्तान जो है वो कम्बोडिया पहुँचा था सहायता देने के लिए ठीक है चलिए अब मैं आपको कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में बता देता हूँ देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा है देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करता हूँ देखिए आपको जैसे ही मोदी जी जो आप अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो जैसे ही पावर में आए थे मतलब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी कब लॉन्च की थी 2014 में कौन सी पॉलिसी लॉन्च की थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी जिसमें उनके जितने भी कंट्रीज़ हैं पास की जितने भी फ्रेंड फ्रेंडली रिलेटेड हैं आप एक तरह से ये समझ लीजिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है जिससे क्या होगा आ, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो मजबूत होगा ठीक है और उसी के तहत बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करी गई और इसमें अलग अलग मिशन भेजे गए तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो सागर मिशन है देखिए पहली चीज़ अगर आपसे पूछता है कि सागर मिना मिशन जो है वो स्टार्ट किए कब से किए तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे ट्वेंटी फिफ्टीन से कब से स्टार्ट किए गए मतलब एक्ट इस पॉलिसी कब आई ट्वेंटी फोर्टीन में आई और ये सागर मिशन कब आया तो ट्वेंटी फिफ्टीन में आया लेकिन इसको लॉन्च तब नहीं किया मतलब ऐसे लॉन्च कर दिया गया कि सागर मिशन हम लॉन्च करेंगे लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई तो इसकी शुरुआत हुई आई वो सागर मिशन सागर वन से ठीक है अच्छा मिशन सागर वन कहाँ भेजा गया था तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिशन सागर वन कहाँ भेजा गया था आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मिशन सागर वन जो है आपका कहाँ भेजा गया था इसमें अगर आपसे पूछता है कि कौन सी आई भेजी गई तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि आई केसरी सागर वन का जो मिशन था उसमें आई केसरी यानी इंडियन नेवल शिप का केसरी नाम की भेजी गई थी सेकंड वाले मिशन में यानी सागर सेकंड में आई एन इरावत भेजी गई थी और सागर थर्ड का जो सागर मिशन सागर थर्ड था उसमें आई एन एस किल्टान भेजी गई थी कम्बोडिया ठीक ये चीज़ें रखिएगा अगर आपसे सागर का फुल फॉर्म पूछता है तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है आप इसका फुल फॉर्म क्या होगा सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ये चीज़ याद रखिएगा ठीक मिशन ने स्टार्ट कब हुआ था 2015 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी 2014 में आई थी ठीक और सेकंड जो सागर मिशन सेकंड है वो कब लॉन्च हुआ था तो नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था जो आपका मिशन सागर थर्ड है वो कब लॉन्च हुआ तो अभी हाल ही में आपको बता दूँ आपका दिसंबर में लॉन्च हुआ है अच्छा आपका जो सागर फर्स्ट है उसमें क्या हुआ था तो इसमें आपके मेडिसिन फूड आइटम जितने भी हैं ये इंडिया ने भेजे थे अपने ओशियन पार्टनर्स को ओशियन पार्टनर्स कौन कौन से किसको किसको भेजे थे मैं आपको बता दूँ मालदीव्स हो गया आपका मेडागास्कर और कमरोस और शेषल्स इन कंट्रीज़ को इन्होंने अपनी मदद भेजी थी ठीक है कोविड के टाइम पे ठीक अच्छा इसमें कौन सी नेवरशिप भेजी गई थी तो मैंने आपको बताया आई एन एस किसरी भेजी गई थी ठीक नेक्स्ट आपका जो आई एन एस इरावत था इसमें किसको किसको भेजा गया था तो इसमें सुडोन को साउथ साउसूदान जिबूती और इिटिया इसमें फूड आइटम्स भेजे गए थे ठीक है इनकी भी हेल्प करने के लिए ठीक आईन एस कल्तान कहाँ भेजा गया कम्बोडियम भेजा गया इसमें भी क्या क्या है फूड आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर अभी बाढ़ आई हुई है ये चीज़ याद रखेगा ठीक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस एक स्लाइड में बता दी और यहाँ पर लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली है एग्जाम्स में ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव्स क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पढ़िए क्या है क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडियन मिसाइल टू अदर कंट्रीज हाल ही में भारत सरकार ने अन्य देशों को किस भारतीय मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है जिनमें से कौन कौन से ऑप्शन है आपका नाग मिसाइल पृथ्वी मिसाइल आकाश मिसाइल या त्रिशूल मिसाइल एंड द राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है आपका जल्दी बताइए राइट आंसर है आकाश मिसाइल आकाश मिसाइल को मंजूरी दी गई ठीक है अच्छा अब इसका इतिहास क्या है ये मैं आपको बता दूँ देखिए मोदी सरकार ने आप एक अभी नीति जारी की थी रक्षा निर्यात नीति ठीक है जिसमें इन्होंने बोला था कि 25 बिलियन डॉलर का हथियार निर्यात करेंगे हम अभी तक क्या होता इंडिया ने आयात करता था हथियार जो है आपके डिफेंस के लिए लेकिन अभी क्या होगा कि रक्षा निर्यात नीति जो 2025 तक 25 बिलियन डॉलर का हथियार निर्यात करने की थी ये अभी इसी को मंजूरी मिली थी ठीक है अच्छा इसमें क्या होता ठीक है इसके बाद क्या हुआ कि चौहत्तर परसेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी मंजूरी मिल गई थी कितने सेवेंटी फोर परसेंट कोई भी जो है वो निवेश कर सकता है ठीक अच्छा अब मैं इसके बारे में बताता हूँ किसके बारे में ये आपका जो आकाश मिसाइल है इसके बारे में बता देता हूँ ये तो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई आकाश मिसाइल के बारे में आपको बताता हूँ देखिए आपका एक प्रोग्राम चलाया गया था कब चलाया गया था नाइनटीन में कब चलाया गया था नाइनटीन एटी फोर में चलाया गया था किसके नेतृत्व में चलाया गया था ए पी जे अब्दुल कलाम ये कौन है भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ए पी जे अब्दुल कलाम देखिए भाई रेटिंग में मत जाइएगा रेटिंग अच्छी नहीं है है ना <laughs> आप समझ जाएंगे इतना काफ़ी है मेरे लिए नाइनटीन एटी फोर में ए पी जे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था कौन 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 सा प्रोग्राम था वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया तो नाइनटीन में चलाया गया किसके नेतृत्व में तो अब ए पी अब्दुल कलाम के नेतृत्व में आपसे फॉर्म भी पूछ लगता है कि आई जी एम डी प्रोग पी ये इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप वहाँ बता सकते हैं ठीक अच्छा इसमें हुआ क्या एक्चुअल में इसमें हुआ इसमें पांच मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया कितनी मिसाइलों का पाँच मिसाइलों का नाम क्या था उनका पटना पटना पृथ्वी और क्या था आकाश त्रिशूल नाग और अग्नि ये पांच मिसाइलों का जो है वो उसमें इसमें आ, इसमें बनाई गई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत ठीक है अच्छा अब इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन और इन्हीं में से ये जो आकाश आप देख रहे हैं इन्हीं में से इसी मिसाइल को मंजूरी मिली है कि ये अब बेची जाएगी अदर कंट्रीज़ को चलिए अब इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं ये देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा इसमें आई जी एम डब्ल्यू डी यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है अच्छा इसमें ये पांच मिसाइलें हैं पृथ्वी आकाश नाग त्रिशूल और अग्नि आपको अगर पता हो कि मिसाइल्स कितने टाइप की होती हैं तो मिसाइल तीन टाइप की होती हैं कौन कौन सी एक होती है बैलिस्टिक एक होती है क्रूज़ और एक होती है सेमी बैलिस्टिक बैलस्टिक क्रूज़ बैलिस्टिक और सेमी बैलिस्टिक ठीक अच्छा अब इनमें से कौन सी क्रूज़ है कौन सी बैलिस्टिक है और कौन सी सेमी बैलिस्टिक है ये मैं आपको बता दूँ पहली चीज़ बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है जैसे ये आपका एक दुश्मन है और यहाँ पे है अगर आपको इस दुश्मन को मारना है तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये इस तरह से पलवर पले, परवल्या कार जाके इस पर अटैक करती है ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल ठीक अगर आपसे क्रूज़ मिसाइल के बारे में पूछता है तो क्रूज़ मिसाइल क्या करती है ये आपका दुश्मन रहा ठीक है ये समानांतर जाती है ये परवल्या कार नहीं जाती है ये समानांतर जाती है और इस पर अटैक कर देती है ये होती है आपकी क्रूज़ मिसाइल ठीक अब आ गई बात सेमी बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है इसमें सेमी बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है या ये क्या करती है इस डायरेक्शन में जाती है मतलब ये आकाश के डायरेक्शन में जाती है और दुश्मन की जो भी मिसाइल होती है उसको मार गिराती है ये हो गई आपकी सेमी बैलिस्टिक मिसाइल अब इसमें देखते हैं कि कौन सी मिसाइल किस तरह की है ठीक चलिए पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपको याद रखना है बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मारती है आकाश की बात करें तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर ये चीज़ रखिएगा देखिए अभी आपको पता होगा करंट की अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत ने रशिया से एस फोर हंड्रेड मंगाया था ठीक एस फोर हंड्रेड और आकाश में एक खासियत है क्यों क्यों जैसे आपके ऊपर कोई दूसरा हमला करने वाला है तो आप नीचे से बैठे बैठे ही उसकी मिसाइल को वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं यह है एस फोर हंड्रेड और आकाश का कमाल एस फोर हंड्रेड क्या है इसकी ये चार सौ किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को ख़त्म कर देता है और आकाश की क्या है ये पच्चीस किलोमीटर आकाश की रेंज क्या है पच्चीस किलोमीटर अगर 25 किलोमीटर दूर से कोई भी मिसाइल आ रही हो तो आकाश उसको मार देता है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा तो एस फोर हंड्रेड हम लोग परचेस कर रहे हैं रशिया से ठीक है और आकाश हमारी जो है वो हमारे यहाँ बनाया गया है ये चीज़ याद रखिएगा ठीक अच्छा ना क्या है ये थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है एंटी टैंक मतलब छोटे छोटे जो भी टैंक होते हैं उनको मार देती है तो ये नॉर्मल मिसाइल है ठीक त्रिशूल की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है ये चीज़ रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल है और वहीं पे अग्नि कौन है ये इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये चीज़ चीज़ें रखिएगा ठीक यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी अच्छा और क्या है आकाश क्यों इतना ख़ास है तो आकाश के अंदर कितनी नाइन्टी सिक्स परसेंट स्वदेशी वस्तुएँ जो है वो स्वदेशी चीज़ चीज़ें जो है वो स्वदेशी जो भी इक्विपमेंट है उनका यूज़ किया गया है आकाश के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको पता चलनी थी हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगी कि कितने परसेंट लगाया गया स्वदेशी लेकिन आपको जान आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैंने बता दी ठीक ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी होपफुली आपको अच्छी लगी हूँ अच्छी लगी हूँ तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और दबा के शेयर कर दीजिए ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच एमंग फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू गावी बोर्ड यानी आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के जो भी आपके गावी बोर्ड के लिए कौन से मंत्री को नामित किया गया ये चीज़ है ठीक यहाँ पे आपके नरेंद्र मोदी जी पीयूष गोयल जी और अमित शाह जी और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये कौन है भाई ये भी बताइएगा आप जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है भाई अच्छा मैंने जूम जूम किया तो आपने देख लिया क्या चलिए कोई बात नहीं भाई देख लिया है तो अच्छी बात है भाई चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका राइट आंसर क्या है राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंह ये आपका राइट आंसर है ठीक है या कौन है भाई हेल्थ मिनिस्टर है आपके ये चीज़ याद रखिएगा इनको गावी बोर्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया देखिए गावी बोर्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या पूछ सकता है कि इसमें पूछेगा कि गावी को फुल फॉर्म पूछ सकता है तो गावी का फुल फॉर्म आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ठीक ये कौन संस्था ये संस्था चलाता कौन है यूनिसेफ और डब्ल्यू के द्वारा चल रही है ठीक अच्छा इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन है तो अठाईस मेंबर कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं ना यूनिसेफ हो गई डब्लू एच ओ हो गई है ना और ये सिविल सोसाइटी हो गई इन सभी के कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर ऐड हैं और वर्ल्ड बैंक भी इसका कंट्री है मिलिंडा गेट फाउंडेशन भी इसकी कंट्री है ठीक है इन टोटल को मिला के अट्ठाईस मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी अट्ठाईस मेंबर्स हैं सॉरी अट्ठाइस मेंबर्स हैं इसके और इस बार इनको जो है वो गावी बोर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है किसको डॉक्टर हर्ष विजलन सिंह को ठीक चलिए और ये साउथ ईशियन एशियन कंट्रीज़ की तरफ से भारत को इस बार नॉमिनेशन no मिला है भारत की तरफ भारत को ठीक है चलिए इससे पहले कौन था इससे पहले थे आपके म्यांमार के मियंत हेवेते ये आपका यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ये आपके मियंत हैवेते म्यांमार के थे ये आप देख सकते हैं ठीक और इनका जो है वो पद भार ग्रहण किया है हमारे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने ठीक अच्छा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं तो इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है जिन्हें व स्विटरलैंड में जनवरी 2000 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी ठीक है और फोकस क्या है इसका कि वैक्सीन अगेंस्ट ह्यूमन डिजीजेस जितनी भी वैक्सीन है वो मानव बीमारियों के प्रति ये आपका फोकस हो गया इसमें ठीक है भी हो सकता है एक तरह से ठीक तो क्वेश्चन आप समझ में आया आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि गावी बोर्ड के लिए नॉमिनेशन किसको मिला तो हर्षवर्धन सिंह को मिला ठीक है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने यहाँ पे बता दिए ठीक है रिसेंटली विस्टा डोम कोचेस वर मैन्युफैक्चर्ड विच रेल फैक्ट्री हाल ही में विस्टा डोम कोचों का निर्माण किस रेल कारखाने का से किया गया है यहाँ पे आपसे देखिए आपसे अगर पूछता है कि हाल ही मतलब इंडिया में कितनी कोच फैक्ट्री हैं तो तीन है कौन कौन सी एक एम है एक आई है और एक आर है ठीक एम सी एफ कहाँ है कमेंट सेक्शन में बताइए आर सी एफ कहाँ है कमेंट सेक्शन में बताइए और आई सी एफ कहाँ है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए एंड राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा आई सी एफ ये कहाँ पर चेन्नई में है इसी ने विस्टा डोम कोचो का निर्माण किया है ठीक है एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होते रहते हैं उसी को देखते हुए ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ठीक है चलिए ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पढ़ने लायक हैं आप पढ़ लीजिएगा है ना रेलवं त्रिका ने आपको बताया पीयूष गोयल जी हैं आपको तो सारी चीज़ें बताएँ भाई आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस द न्यू सोलर पॉलिसी 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य ने नई सौर शो, ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गुजरात राजस्थान बिहार और तमिलनाडु जल्दी से आंसर करिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात इसका राइट right आंसर है ठीक है चलिए राइट आंसर कौन है गुजरात यानी हाल ही में गुजरात ने नई जो आपकी न्यू सोलर पॉलिसी पावर पॉलिसी है ट्वेंटी ट्वेंटी वन उसकी घोषणा की है ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल ओशियन एप्लीकेशन में से किस मंत्रालय ने डिजिटल ओशियन एप्लीकेशन शुरू की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एन ऑफ दिस वीडियो को पॉज करिए क्वेश्चन को रीड करिए पेन पेपर जो भी आप लेके बैठे हैं उनमें से आपको आंसर नोट डाउन कर लेने हैं और लास्ट में आपको स्कोर करना है आपको कितने स्कोर मिले जितने भी क्वेश्चन थे वन और आप जितने भी देना चाहें पाँच नंबर देना चाहें क्वेश्चन में पाँच नंबर ले लीजिए दो नंबर तो आपको बताना है भाई कि कितने को सही किए ठीक है और इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके कौन है मिनिस्टर तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वही इसके मिनिस्टर भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंस के ठीक है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है आप बताइएगा और मैं एक काम करता हूँ मैं सी वाले का बता देता हूँ ठीक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री कौन है हमारे प्रभाष प्रकाश जावड़ेकर जी हैं इसके मंत्री हैं सेकेंड वाला आप बताएंगे ठीक है दो मैं बताऊँ एक आप बताओ धीरे धीरे हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हु कोविड नाइन्टीन ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय आई सी एम आर डब्ल्यू एच ओ यू एन या नन ऑफ दीज इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी का राइट right आंसर क्या है भाई जल्दी से बताना है आपको तो पहले आपको बताता दूँगी कि हु नहीं लिखा है ये डब्ल्यू एच ओ लिखा है <laughs> मैंने ऐसे ही पढ़ दिया कि आपको कन्फ्यूज़ करूँ इसका राइट right आंसर क्या है आई सी एम आर आई सी एम आर ने डब्ल्यू एच ओ कोविड नाइन्टीन ऐप बना का लॉन्च किया है ठीक है इसमें क्या होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड देड़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सॉरी 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 यहाँ पे राइट आंसर डब्ल्यू एच ओ है और आई सी एम आर नहीं आई सी एम आर की एडिशनल इंफॉमेशन मैं आपको लेके आ रहा था इसीलिए वो गलती से टिक हो गया ठीक है चलिए डब्ल्यू एच ओ इसका राइट right आंसर है ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है चलिए आई सी एम आर की इन्फॉर्मेशन ला रहा था तो इसीलिए मेरे को लगा वहाँ गलत हो गया मुझसे आई सी एम आर के अगर पूरा में पूछता है तो इंडियन मेडिकल इंसिल इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च ये इसके फुल फॉर्म है और हेड क्वार्टर का है दिल्ली में है फाउंडर कौन है गवर्नमेंट इंडिया है और फाउंडेशन कब हुई थी नाइनटीन इलेवन में हुई थी ठीक है चलिए ये आपके भाई थर्टी क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए और जैसे कि मैंने कहा था दस क्वेश्चन के बाद फिर एक स्लाइड आ गई हु इज़ द करेंट सी ई ऑफ सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई सी ई ओ कौन है ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यू कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर पूछा है और हु हैज़ वन द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी एंड लास्ट क्वेश्चन आपका हु इज अपॉइंटेड रिसेंटली एज द डी ऑफ अंडमान एंड निकोबार ये पांच क्वेश्चन है इन पांच क्वेश्चन में भी एक ट्रिक का क्वेश्चन है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा है ठीक है और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूरी से लाइक कर दीजिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर ठीक है आप कमेंट जरूर किया करिए इससे क्या होगा कि मेरे को यहाँ ये यह समझ में आएगा कि भाई और क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है हमारी स्लाइड में और मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ ठीक है और जल्दी आ, कुछ अच्छा करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया ऑफ विच कंट्री ऑफ फॉर पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस यानी आपका जो है भारत और किस देश के बीच बाहर अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुए हैं एम यू जिसको बोलते हैं तो आपका ऑप्शन है ये आपके ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है भूटान भूटान और इंडिया के बीच में जो आई आपकी आउटर स्पेस है वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से आ, काम करने के लिए समझौता हुआ है ठीक है मतलब जो भी ए, आपका अंतरिक्ष है वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से दोनों लोग साथ में काम करेंगे ठीक है ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं रिसेंटली द कोलर लीफ नोज बैट हैज साउंड इन विच स्टेट क्या है भाई ये तो दी आई यू सी एन की रेड डेटा बुक में इसका भी मेंशन है और एक तरह का चमगादड़ की प्रजाति है ठीक है और रिसेंटली ये देखी गई है कहाँ देखी गई ये आपको पताना है इसी बात का क्वेश्चन है भाई ये जल्दी से बताना है आपको एंड द राइट आंसर इज़ कर्नाटका ऑप्शन नंबर बी यह है आपका राइट आंसर ठीक है कर्नाटका में इसको देखा गया चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं जल्दी से ठीक है कैपिटल कौन है बेंगलुरु है गवर्नर कौन है वजुभाई वाला है फ्लावर अगर आपसे फ्लावर पहुँचता है तो लोटस यहाँ का नेशनल फ्लावर है चीफ मिनिस्टर कौन है बी एस सेद्यूरपा है ठीक है चलिए नेक्स्ट रिसेंटली विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डि एरिया अंडर एप्सफा एक्ट फॉर सिक्स मंथ हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य को छः महीने के लिए अफसफा अधिनियम के तहत अशहान क्षेत्र घोषित किया गया है यह आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से सुना है नागालैंड असम मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट एंड द राइट आंसर इस जल्दी जल्दी करते हैं ठीक है नागालैंड नागालैंड इसका राइट आंसर है अच्छा अगर आपसे अब आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकता है पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा अफसफा एक्ट क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि का अफसफा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यह आपका अफसका भागा ठीक है बहुत सारे आ, कुछ इस्टेट हैं है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं ठीक है, है यहाँ पे विद्रोह होता रहता है कि हमारे स्टेट को फ्री कर दो और बहुत सारी जा, जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो इस एक्ट को लाया गया था इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे इन इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक रोका जाए गवर्नमेंट रोके इनको और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर क्या है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर दिया जाता है कई चीज़ों को लेके ठीक है आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है एडिशनल इन्फॉमेसन में ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने दी हैं आपको रिसेंटली नागालैंड में लॉन्च किया गया था ठीक है चीज आप याद रखिएगा, ठीक 1958 अधिनियम था इसका ठीक चलिए नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंजीनियर किसके द्वारा बनाया गया भाई जल्दी से बताइए तो ये बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा ठीक चलिए आपको आंसर करना है जल्दी से कौन सा है भाई नाम क्या है सहायक वन जी सहायक एन जी क्रांति ट्वेंटी वन या ननवती इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सहायक एन जी ये आपका राइट आंसर है ठीक है इसका नाम रखा गया अच्छा इसमें क्या है भाई देखिए ऐसा कंटेनर इन्होंने बनाया है जिसमें क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने नहीं देखा होगा आपने टी वगैरह में देखा होगा बहुत सार बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो नेवल शिप्स होती हैं या कई बार कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ साधन नहीं होता है किसी भी चीज़ को भेजने का जैसे अब भाई देखिए पानी जहाज तैर रहा है अब उसको वहाँ पे कोई इंटरनल पार्ट डैमेज हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे कोई सामान पहचाना है तो भाई बीच समुद्र में हम सामान कैसे पहुँचाएंगे तो इसी के लिए ये डी आर डी ओ द्वारा ये कंटेनर बनाया गया है इसको आप कहीं भी फेंक दो ये इसको कोई नुकसान नहीं होगा इसके अंदर जो सामान रखा है और इसको आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें जी पी एच लगाया गया है ठीक है ये चीज़ है इंपॉर्टेंट ठीक चलिए डीआरडीओ को द्वारा डेवलप किया गया है ठीक चलिए नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन एंड विच ऑफ दीज कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इनमें से किसके द्वारा यूरोपियन संघ और किस देश ने हाल ही में एक नई निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ठीक है चाइना सॉरी चाइना है राइट आंसर भाई रूस नहीं है रशिया नहीं है चाइना है चाइना, है, चाइना ने साइन किया है ठीक है चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जल्दी से देखिए होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है या कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसने लॉन्च किया जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर कौन सा है भाई राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है क्या लॉन्च किया है भाई ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप ठीक ये चीज़ें रखिएगा चलिए नेक्स्ट आपकी डजको घाटी यानी डजको वैली लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनमें से कहाँ पर स्टेब्लिश है और ये इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा इनमें आग लग गई थी और आपका जो सर्वे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया है इसमें इस इनका जिक्र भी होता और कई जगह चीज़ों में ये सारी चीज़ें देखी तो यहाँ पे आपका, आपका राइट आंसर कौन सा है आपका राइट आंसर है नान ऑफ दी इस क्यों क्योंकि जो आपकी डिज़गो वैली है वो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर्स में पाई जाती हैं ठीक है थीके? ये जी रखिएगा ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी ठीक है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत सर्वे किया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी द फॉरेस्ट ऑफ़ छत्तीसगढ़ मिजोरम मणिपुर मध्य प्रदेश और उड़ीसा आर मोस्ट वलरेबल टू फॉरेस्ट फायर यानी यहाँ पर ज़्यादा जंगल की आग चपेट में है और जैसा कि इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है हम लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व सर्वे से इंपॉर्टेंट इंफॉमेसन जो भी बन सकती है मैंने दे दी फाउंडेशन का हुआ था यह चीज़ें रखेगा नाइनटीन में ठीक है ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा ठीक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है जिसके मिनिस्टर कौन है प्रभाष जावड़ेकर जी हैं ठीक है ये चीज़ें रखिएगा नेक्स्ट विच ऑफ दीज फ्लूज आल्सो कॉल्ड एवी एवियन इन्फ्लुएंजा इनमें से किस फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू बोथ एम बी एंड नन ऑफ दीज ये चीज़ जलताइए जल्दी है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बर्ड फ्लू क्यों भाई इसका जिक्र क्यों हो रहा है क्योंकि आपने देखा था हाल ही में बहुत ज़्यादा कौओं की मृत्यु हुई थी जैसे बर्ड फ्लू का भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा किससे रिलेटेड है तो बर्ड फ्लू से रिलेटेड अगर यहाँ पे यहीं पे स्वाइन फ्लू के बारे में पूछ लेता है स्वाइन फ्लू यानी आपका स्वाइन फ्लू किससे यहाँ पे पिग इन्फ्लुएंज़ा पिक इन्फ्लुएंजा आपका किससे रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से और एवियन इन्फ्लुएंजा आपसे किससे रिलेटेड है बर्ड फ्लू से ठीक है चलिए हाँ और एडिशनल जानकारी ले लीजिए भाई अगर आपसे पूछता है कि एच फाइव एन 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 वन वायरस किससे रिलेटेड है तो ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है और एच वन एन वन वायरस अगर आपसे पूछता है किससे रिलेटेड है तो ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉमेशन मैंने शो करवा दी इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी ए पी एफ आर डी ए यानी पी एफ आर डी ए का फुल फॉर्म क्या है पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पब्लिक फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पब्लिक फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या नन ऑफ दिस फुल फॉर्म आपको बताना है राइट right आंसर क्या है राइट right आंसर है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का राइट right आंसर है पी एफ आर डी ए का ये चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है रिसेंटली चर्चा में क्यों था चर्चा में इसलिए था कि भाई इसको ऑनलाइन में ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाएगा इस सिस्टम को पेंशन सिस्टम है इसका अच्छा अगर आपसे पूछता है कि आपका पी एफ आर डी ए का इस्टेब्लिशमेंट कब था ये चीज़ आप देख लीजिएगा फाउंडेशन इसकी कब हुई तो ट्वेंटी थर्ड अगस्त ट्वेंट टू थाउजेंड थ्री को ही सेक्टर पेंशन से रिलेटेड है हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में है एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है कौन है यहाँ पे शुभप्रतिम बंदोपाध्याय चेयरपर्सन भी है इसकी और पेरेंट एजेंसी अगर आपसे पूछते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज़ के पेरेंट एजेंसी है ये आपसे नहीं पूछेगा जो इंपॉर्टेंट जब इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है चलिए यहीं पर हमारी स्लाइड चाहे वो होती है एंड अगर आपको पी चाहिए ये वाली तो पी डी एफ पैकेज हमारा जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए फिफ्टी रुपीज़ में आपको ये पी जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी यहाँ पर हमने एडिशनली ये चीज़ें ऐड की हैं ये आप देख लीजिएगा ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिसंबर के जितने भी जो भी चीज़ें हो रही मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो हम यहाँ पर मैंशन कर दिए ट्वेंटी फाइव दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे था ट्वेंटी सेकेंड को नेशनल मैथमेटिक्स डे था ट्वेंटी थर्ड को किसान दिवस right था ट्वेंटी फोर्थ को नेशनल कंज्यूमर राइट डे था ट्वेंटी फिफ्थ को गुड गवर्नेंस डे था ये चीज़ याद रखेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा पीडीएफ डी पैकेज आप कैसे जॉइन कर, कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया जो आपको नीचे नंबर दिया है इस नंबर पे आपको मैसेज करना है पीडीएफ के लिए ठीक है चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फिर से है ना और तब तक आप रिविविज इस पीडीएफ से और इस वीडियो से भी आप रिविजन कर सकते हैं ठीक है थीके? आप पी नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो भाई देखिए आपको पीडीएफ में इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे पी मिल जाएगा आपको बहुत सारी आसानी होगी और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए आ गई भाई स्लाइड कहाँ गई जल्दी से आ जाओ ये क्वेश्चन जो मैंने हर दस स्लाइड के बाद दिए हैं इनके बारे में रिव्यू ज़रूर करिएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इनके आंसर मेरे को चाहिए आंसर जो भी सही बताएगा मैंने आपको बताया हर दस क्वेश्चन के बाद एक स्लाइड ये वाली पढ़ी है और इसमें हर स्लाइड में एक ट्रिकी क्वेश्चन है इन ट्रिकी क्वेश्चन को जो भी सॉल्व कर ले गया उनके मैं बताऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें उनके नाम लूँगा मैं ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा आपको चलिए तब तक मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आगे आपसे तब तक के लिए गुड बाय ख्याल रखिएगा थैंक यू